प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम अड़ू वड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ अड़ू के पत्ते ले लिए हैं। पत्तों को हमें वॉश करके सुखा लेना है। अब ये वाली जो स्टेम है हम पीछे से इस तरह से कट कर लेंगे। सारे पत्तों के हमने स्टेम कट कर लिए हैं। अब हम बेसन का घोल बनाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, थोड़ा गुड़, तिल और थोड़ी सी अजवाइन। इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी, या इसे आप इमली का पल्प भी बोल सकते हैं। इमली को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मिश्रण तैयार कर लेंगे। मिश्रण को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। बैटर हमारा रेडी है। यहाँ मैंने एक प्लेट उल्टी रख दी है। एक पत्ता लेंगे हम इस तरह से और ये बैटर थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप डाल के हाथों से इसे हमें फैलाना है। सेकेंड पत्ता लेंगे हम और इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से बैटर लगा लेंगे। इसके बाद हम थर्ड लीफ लेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। इसे हम फोल्ड करेंगे। इसे हम स्टीम करने रखेंगे। इसे मैंने 15 मिनट स्टीम किया है। ये 15 मिनट में ही स्टीम हो गया। इसे निकाल के हमने ठंडा कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। तेल गरम हो चुका है। इसमें हम ये एक एक करके सारी वड़ी डाल देंगे। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।